देश के एगो शेर को पिजड़ा में कैद करके रखने का एक बड़ा नौटंकी चला था, लेकिन चंपारण के एक शेर ने अपने देश के शेर को रिहा करवाने का काम किया। अब हम सर से जानेंगे कि आखिर सुनवाई था तो जज साहब ने क्या फैसला लिया, इसमें किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। और आपने कहा जब पूछा कि किसकी जीत और किसकी हार, तो सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है। लेकिन वो जेल से निकलेंगे कब? अभी निकलेंगे, देखिए जमानत होने के बाद एक प्रोसेस है, वहाँ स्टोनो बाबू लिखते हैं, टाइप होता है, साहब का सिग्नेचर होता है, निचली अदालत में आता है, जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट से जैसे एसडीएम रक्सौल साहब के यहाँ हो जाएगा, वहाँ पे बेल बॉन्ड फर्निश होगा, वहाँ से उनका रिलीज जाएगा। ये थोड़ा प्रोसेस है, आज वर्कलोड ज़्यादा है, उस प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग प्रयास में हैं कि आज ही वो बाहर आ जाए। देखिए अगर हो जाता है सब कुछ टाइमली होता है तो आज ही उनकी रिहाई हो जाएगी। प्रक्रिया जो है जोरों पे चल रही है। बेल होने के बाद ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप गाड़ी खरीद लिए तो एक्सेसरी लगाने के लिए छोटी छोटी चीजों को लगाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत चिंता नहीं रहता। तो आपकी गाड़ी आपके राधा मोहन जी आपके बीच आ गए हैं, सदैव बस उनको निकलना बाकी है बस। अच्छा सर, अब तक जो कुछ भी हुआ इनके साथ ही हुआ, इनको पीटा भी गया, गाली भी दिया गया, यही जेल गए, यानी कि जो मार खाया वो जेल में, आ जो मारा वो घूम रहा था बेल पे, ये कहीं ना कहीं गलत था। अच्छा अब वही मतलब उसको बेल ही कह रहे हैं हम लोग साधारण सी भाषा में, कि जो मार खाया वो जेल में आ जिसने पीटा वो घूम रहा था बेल पे, अब तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? अगर गलती दोनों की थी तो जेल में दोनों को डालना चाहिए था, लेकिन उस पुलिस वालों के लिए अब क्या कार्रवाई होगी? कानून व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था उनको क्या दंड देगी? देखिए न्यायिक व्यवस्था में तो आपको देखिए किसी भी कानून सोए की सहायता नहीं करता है, कानून जागृत की सहायता करता है। अगर आप वहाँ कोई कंप्लेंट फाइल होता है, कोई नालिश किया जाता है, कोई परिवाद दाखिल किया जाता है, या पुलिस कुछ करती है तभी तो सुनवाई करेगा। यहाँ पे हमारे जिला जज की कोर्ट को, जो निचला न्यायालय के कोर्ट को, ये पावर नहीं कि सो मोटो संज्ञान लेकर कोई एक्शन ले ले, ये पावर ऑनरेबल कोर्ट को है। तो अगर कोई परिवाद ऐसा आता है, कोई फाइल होता है, तो उस पर सुनवाई होगी। लेकिन अब पुलिस पदाधिकारी के लोग उनको जितेंद्र जी को या जो भी दूसरी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लेंगे, क्या डिपार्टमेंट ऑफ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये तो उनका डोमेन है, ये तो वही लोग कर सकते हैं, वही लोग करेंगे। चार दिन तक जब युवा वर्ग के लोग ये भी थे, सब लोग साथ में जब प्रदर्शन किए, तो पांचवें दिन लोगों को लगा कि शायद अब बेल में देरी हो रही है, तो उन लोगों ने कहा था, मैंने भी आपसे सवाल किया था कि चंपारण के बहुत सारे युवा वर्ग के जो लोग वो कह रहे कि अब मेरे घर में दिवाली होली तब तक नहीं होगी जब तक कि आर्मी जवान हमारे सामने नहीं होगा, उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम उन सभी अपने युवा बंधुओं को कहना चाहेंगे कि आप लोग जम के होली मनाइए, नया पालिका की तरफ से आपके आपके आपको होली का गिफ्ट है। हमारे यहाँ फगुआ ही मिलता है, नया पालिका में आपको याद होता है कि फगुआ में बिहार में फगुआ में फगुआ ही देने का प्रचलन है, तो बुझिए कि जिला जज साहब की तरफ से, नया पालिका की तरफ से आप लोगों को फगुआ ही दिया गया है बेल के माध्यम से और न्याय कर करके। तो सर के परिश्रम की न्यायालय में जीत हुई है और आप लोगों के परिश्रम की, मतलब आप जैसे पत्रकार, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, रंजीत गिरी जैसे समाज सेवी, अनिकेत पांडे जी कहाँ है? अनिकेत पांडे जी आइए जल्दी। अनिकेत पांडे जी जो है इनके जैसे समाज सेवियों की जीत, पूर्णिमा भारती वहां पे लगी हुई थी, तो ये इन सबों की जीत है। और जैसा कि हमारे ऑनरेबल सीनियर ने कहा कि जज साहब के तरफ से, ऑनरेबल जज साहब के तरफ से ये एक फगुआई है चंपारण वासियों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को। चंपारण से जो होली मनेगी इस बार, वह पूरे देश में जो है वो एक ऐसा जीत का गुलाल होगा कि लगभग जो है वो सारे लोग खुशी मनाएंगे और सारे लोगों में उत्सव का माहौल होगा, क्योंकि ये देश के सेना की जीत है और देश के सेना की जीत का मतलब पूरे देश की जीत होती है। अच्छा अनिकेत भैया, आपने ही पांचवें दिन आपने नहीं मीडिया में कहा था कि जब तक आर्मी जवान हम लोगों के गाल में गुलाल नहीं लगाएगा तब तक होली नहीं मनाएंगे, क्या कहेंगे पप्पू सर के लिए? उस धारणा पर मजबूती से बैठने का सबसे अगर पीछे का कारण कोई था तो हम लोग को पता था कि एडवोकेट साहब है कोर्ट में, उस सरिहार लेंगे, इसी चलते हम लोग का भी आत्मविश्वास टाइट था कि भाई कुछ भी होगा सर हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर का कॉन्फिडेंस, सर का जो तरीका होता है, सर का जो आत्मविश्वास होता है अच्छे लोगों के साथ जो होता है, ये हम लोग आज नया नहीं देखना है, हम लोग शुरू से देख रहे हैं। और हमें लगता है आज के डेट में जितने भी युवा वर्ग के एडवोकेट इस लाइन में आ रहे, आप पहले इतना रुचि नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब एडवोकेट यंग और डैशिंग, अब देख लीजिए आप चेहरा भी इनका देख सकते हैं कहीं से भी, तो एक नया रेवोल्यूशन आया है एडवोकेट के क्षेत्रों में भी, इस लाइन में भी नए नए नौजवान भी इस क्षेत्र में आगे और काफी संख्या में आगे आ रहा है, तो वो चीज कहीं ना कहीं एक दिखता है वो जो आज हम लोगों के सामने दिखा है। और यही कॉन्फिडेंस था जो हम लोगों को धरना पर बहुत सारा धमकी, बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा कॉल, बहुत सारा जगह से आया हम लोगों को प्रेशर, लेकिन हम लोग वहां से हटने का काम नहीं किए, क्योंकि लक्ष्य था देश का सम्मान, लक्ष्य था देश का गौरव बचाने वाला, चाहे जैसलमेर की गर्मी हो, चाहे सियाचेन का ठंडा हो, चाहे
जंगल का वो दुख तकलीफ कठिनाई हो, चाहे पानी में जो दिन प्रतिदिन मरने का डर हो, सभी को झेलते हुए जो सेना हमारे देश की रक्षा करता है, उस देश की सेना के लिए हम लोग 7-8 दिन बैठ जाते तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए बैठे। और वो हिम्मत था और आज वो हिम्मत हम लोगों का काम आया है, आज वो बेल हो गया, ग्रांटेड हो गया, कुछ घंटों में हो सकता है आर्मी के जवान हम लोग के सामने होगा। अच्छा, और एक चीज है कि हम लोग का यही इच्छा है कि जब राधा मोहन जी बाहर निकले तो अबीर लेकर के हम लोग के गाल में लगा के होली का शुरुआत करा दे, बस यही हम लोग का इच्छा है। चंपारण जो है वो सत्याग्रह की भूमि रही और चंपारण ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर सेना के जवान हमारी रक्षा बॉर्डर पे कर सकते हैं तो उनकी रक्षा हम यहाँ पे करेंगे। जिस तरह आज से 106 साल पहले जिस तरह से हम लोगों ने ये बता दिया कि अगर चंपारण वासी एक हो सकते हैं तो पूरा देश अंग्रेजी शासन के व्यवस्था खिलाफ एक हो सकता है, उसी तरह आज 106 साल बाद लोगों ने बता दिया कि अगर जो रूड बिहेवियर वाले अफसर हैं, जो करप्ट अफसर हैं, उनके खिलाफ अगर लोग चाहे एक हो तो न्यायालय से भी जीत होती है और भगवान के दरबार से भी जीत होती है। और इसके लिए जो है वो हम धन्यवाद देते हैं अपने सीनियर का। और बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पप्पू सर के साथ बहुत सारे लोग, अनिकेत भाई भी हैं, पंकज भैया भी हैं, तमाम लोगों जो लोग जो यहाँ पे, रंजीत गिरी जी भी मौजूद है। और जिस तरीके से ये ट्रेंड पूरे देश में चला, बहुत कम समय में सबसे ज्यादा वायरल होने वाला मुद्दा यही था और उस मुद्दा को जीतवाया तो केवल पप्पू सर ने और इनके जो सहयोगी थे। और न्यायालय में बैठे लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल लोगों के दिल को टूटने नहीं दिया और होली भी मनाने का बेहतरीन अवसर दिया है। अच्छा, जाते जाते देश के सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देश के सभी लोगों को यही कहेंगे जैसा हमारे पंकज बाबू ने कहा कि जहां कहीं भी अन्याय होता दिखे, चाहे वो पुलिस प्रशासन के अफसर हों, लोक प्रशासन के हों, अपराधी हों, हमारी चंपारण की धरती ने दिखाया है, हमारे छोटे भाइयों ने, अनिकेत बाबू ने, रंजीत बाबू ने, पंकज बाबू ने, चाहे जितने भी लोगों ने आए, आप लोगों ने, कविराज जी ने, मीडिया के बंधु ने, सागर सूरज जी ने, मनीष कश्यप जी ने, उसका प्रतिकार जरूर करें और चरणबद्ध ढंग से, जिसने जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से, सत्याग्रहपूर्ण ढंग से यहाँ पर आप लोगों ने जनमानस को जागृत किया है, उसी तरह जागृत करने का काम करें ताकि कोई गलत व्यक्ति किसी सही आप व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सके। और दूसरा, आप सबके माध्यम से जिन लोगों ने भी इस आंदोलन को चलाया, जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उसको सपोर्ट किया, उन सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामना अपने सारे अधिवक्ता बंधुओं के साथ साथ पूरे देशवासियों को देना चाहते हैं आपके माध्यम से। आप सबको जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। और एक जानकारी और बता दीजिए, जिस जज साहब ने जो है आर्मी जवान को बेल दिए हैं उनका नाम क्या है? श्री देवराज त्रिपाठी जी का नाम है, वही जिला जज है देवराज त्रिपाठी जी। और बाकी मुझे लगता है कि यहाँ से सारी जानकारी मैंने बता दिया, अब इंतजार करिए उस पल का जिस समय वो जेल से बाहर निकलेंगे और वहाँ की एक एक अपडेट को हम लोग दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और कोशिश यहाँ पे जितने भी सारे लोग, अनिकेत भाई भी ये कह रहे हैं कि कोशिश है कि जब वो जेल से बाहर निकले तो हम लोगों के गाल पे गुलाल लगा करके होली की बेहतरीन शुरुआत करें। बाकी आगे की और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए यही बड़ी अपडेट दिखाते हुए मोतिहारी कोर्ट से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।